How to learn six table? छः का टेबल याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें एक से लेकर 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए। एक से लेकर सिक्स का टेबल है तो इसकी एक से लेकर 60 तक इसकी काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इसका ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक से 60 तक काउंटिंग लिखी है, इसको हम 10 भागों में बांट देनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दो, ये हो गया एक, ये हो गया दो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तीन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया चार। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पाँच। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया छः। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सात। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आठ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नौ। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दस। मान देना, इसको हमने 10 भागों में विभाजित कर देना है 60 की संख्या को। उसके बाद हमने क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे बना लेना है 6, ये गुणा का निशान, एक इधर बराबर, और आगे क्या आएगा, कितना है एक में, कितना है 6। फिर 6 गुणा दो, दो नंबर पर कितना है 12। 6 गुणा तीन कितना है 18। फिर 6 गुणा चार कितना है 24। फिर 6 गुणा पाँच कितना है 30। फिर 6 गुणा छ कितना है 36। 6 गुणा सात कितना है 42। 6 गुणा आठ कितना है 48। 6 गुणा नौ कितना है 54। 6 गुणा दस कितना है 60। ऐसे हमने टेबल लिख लेना है और इसको लर्न करना है। बार बार लर्न करने से हमें ये याद हो जाएगा। जैसे 6 गुणा 6, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 36, 7 6 42, 8 6 48, 9 6 54, 10 6 60। ऐसे बार बार लर्न करने से हमें 6 का टेबल ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।